वेरी गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक छोटा सा एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आपको बताएगा कि पेपर नंबर 16, हाँ पेपर नंबर 16 मतलब CMA फाइनल का टैक्सेशन प्लस इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो पेपर है आपका, उसमें किस तरह से आप 60+ मार्क्स ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इंस्टीट्यूट ने खुद अपने मॉड्यूल में आपको ये बता रखा है कि कहाँ से आप ज़्यादा फोकस कीजिए तो कि आपको 60+ मार्क्स आराम से आ सकते हैं। तो अगर मैं मॉड्यूल की तरफ लेके चलूं आपको, तो मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले आपको डायग्राम जो नजर आ रहा है बच्चों, ये इसमें खुद बता रखा है इंस्टीट्यूट ने कि हमारे पास जो जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी कौन सा है बच्चों, इंटरनेशनल टैक्सेशन का, जिसमें सिर्फ दो ही टॉपिक है। एक तो टॉपिक आपका DTR का है, कुछ बच्चे इसको DTAA भी बोलते हैं। तो DTR का मतलब क्या हो गया, DTR का मतलब हो गया डबल टैक्सेशन रिलीफ, या फिर DTAA का मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स का आता ही आता है, सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों। इसका एक वीडियो मेरा यूट्यूब पे रखा हुआ है, 1 घंटे का वीडियो, जिसमें विद नोट्स CMA सिलेबस में जितना भी आपका DTR है वो कवर किया गया है। बहुत सारे बच्चे CA फाइनल का DTR पढ़ते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ भाई CA फाइनल का क्यों पढ़ते हो आप तो CMA फाइनल में हो, एक बार अपना सिलेबस पढ़िए आप, आपको फाइनल के पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 30 मार्क्स तो आप यहाँ से स्कोर करेंगे आप। उसके बाद में हम बात करें तो मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस वाला चार्ट दिखा रहा हूँ बेटा। देखो ये आपका एनालिसिस वाला चार्ट है, अगर आप देखें इस चार्ट को तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आएगा आपको पेपर नंबर 16 के अंदर किस तरह से आपको टॉपिक मिल सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा पेपर नंबर 16, ये आपके CMA सिलेबस का स्कैनर है बच्चों। ये CMA का स्कैनर है, जो CMA है ना अपना, उनका स्कैनर है, देख सकते हो आप। ये स्कैनर जो है ये पेपर नंबर 16 का स्कैनर है, ठीक है। तो CA सिलेबस का नहीं है बच्चों, ये CMA सिलेबस का है। देखिए तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर पेपर नंबर स्टडी नोट नंबर 1 की बात कर रहा है, ये सबसे पहले नंबर पे स्टडी नोट नंबर 1, ये स्टडी नोट नंबर आपका पहला ही पेपर स्टडी नोट है, आप देख सकते हैं उसमें सारा सिलेबस कवर है आपका। पर इसमें कहूँगा आपको सिर्फ एक मैट अच्छी तरह पढ़ना है और AMT अच्छी तरह पढ़ना है, जो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको स्टडी नोट नंबर 4 जो असेसमेंट प्रोसीजर की बात करता है, असेसमेंट प्रोसीजर की बात कर रहा है बेटा, एक वो वाला आपको ध्यान से पढ़ना है। साथ साथ में आपको इसमें भी देखना है बच्चों, आपको साथ साथ के अंदर स्टडी नोट नंबर 11 जो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा है, सेक्शन 50B वगैरह जो आपने देखा होगा, एक आपको वो चैप्टर अच्छी तरह पढ़ना है। और पेपर नंबर स्टडी नोट नंबर 17 कौन सा आपका, इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक तो DTR हो गया आपका, एक DT ट्रांसफर प्राइजिंग, ये दो ही टॉपिक है आपके जो आपको बहुत अच्छी तरह देखने हैं, दो ही टॉपिक है आपके जो बहुत अच्छी तरह देखने हैं। अगर आपने दोनों टॉपिक देखे अच्छी तरह तो ये आपका ये नंबर कवर करोगे आप। तो 60+ मार्क्स लाने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपको एक तो मैट AMT साथ साथ देखिए अच्छी तरह, साथ साथ में चैप्टर नंबर 4 असेसमेंट प्रोसीजर पूरा पढ़िए ध्यान से, साथ साथ में 11 नंबर जो चैप्टर है आपका मतलब बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग वाला जो चैप्टर है वो पढ़िए आप बढ़िया तरीके से, और चैप्टर नंबर 17 इंटरनेशनल टैक्सेशन, और प्लस क्या करना है आपको केस स्टडी, जो केस स्टडीज आपकी वो उनको आप अच्छी तरह पढ़िए। तो अगर आपने केस स्टडीज भी अच्छी तरह पढ़ी है तो क्या होगा आपको पूरा का पूरा 60 मार्क्स आपको आराम से यहाँ पर स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बेटा।